तो यार फाइनली बैटल ग्राउंड इंडिया का अपडेट आ चुका है और आज सुबह ही मैंने इसको इंस्टॉल भी कर लिया। सही है, इंस्टॉल करने के बाद भाई ये कुछ परमिशंस वगैरह मांगता है, तो मैंने वो सारी की सारी दे दी। और इसमें भाई एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें आपका जो भी अकाउंट है, जैसे कि आप ग्लोबल में खेलते थे पहले, तो उसमें आपकी स्किन्स वगैरह और जाने क्या ही क्या खुला हुआ का, तो यार वो सारा का सारा वापस आ जाएगा। तो यार वो कैसे वापस आएगा वही मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको, और आपको दिखाऊंगा भी क्या क्या चेंजेस आए हैं इसमें। और चलिए चलते हैं। तो फाइनली थोड़ा सा वेट लगाता है इसमें, और वेट करने के बाद इसमें लॉगिन वगैरह मैंने सारा कुछ कर लिया है। सही है, और उसके बाद आपको ये एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें भाई कुछ नहीं है, एरोप्लेन बस आके जाता है और उसको वार्निंग वगैरह मिलता है। लेकिन भैया एरोप्लेन कह रहा है कि हम हैं बहुत बड़े ढेर, हम ही देखेंगे क्या वार्निंग यार तुम हमको दे रहे हो। भाई जाते हैं, लेकिन वो एरोप्लेन तो जाता नहीं है, बट वो एक प्लेयर को फेंक देता है कि तुम मरो जाके, और एरोप्लेन तो यार सेफ जोन में निकल लेता है कि भाई हमको नहीं किलकेडी गिराना है। तो वो तो यार किलकेडी बढ़ाने लग लेते हैं, लेकिन इनके भाई लौड़े लग जाते हैं। भाई चले जाते हैं ये अंधा रस मारने के लिए, फिर इनको फेंक दिया जाता है कुआं में। कोई नहीं है, फेंक दिया जाता है तो फेंक दिया जाता है। और इसके बाद देखो यार क्या होता है, ये कुछ स्क्रीन सा मिलेगा आपको, स्क्रीन से में भाई कुछ नहीं है, आपको कुछ इफेक्ट दिखा रहे हैं कि मतलब कैसे गेम खेला जाता है कैसे नहीं। और उसके बाद बैटल ग्राउंड इंडिया का एक लोगो आएगा, बस इसी के बाद ख़त्म हो जाएगा वीडियो। फिर ये बोलता है नाम आपको क्या ही क्या रखना है, तो इधर सेटअप आप खुद ही कर लोगे, इसमें क्या ज़्यादा बड़ी बात है। सही है, तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यार फाइनली हमने सारा कुछ सेटअप कर लिया है, और स्टार्ट करने पर हमको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें भाई आपको एक छोटी सी स्क्रीन देखने को मिलेगी, उसमें ये बोलते हैं कि आपको अकाउंट डाटा ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है। इसका मतलब क्या है दोस्त, आप जो भी ग्लोबल अकाउंट में गेम खेलते थे तो उसमें आपकी स्किन्स खुली होंगी, गाड़ी की स्किन खुली होगी और आपके कपड़े, हेलमेट की स्किन, मतलब बहुत ही सारी चीज़ खुली होंगी। तो बस उसके लिए बोलता है अगर आपने वो वापस लानी है तो आपको यस करना पड़ेगा, और यस करते रहो। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर आपको फेस पर टच मारना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको ये कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसको लॉगिन करना पड़ेगा आपको। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और कंटिन्यू एस लिख देना है आपको, टच मार देना उस पर। उसके बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आप बस कुछ नहीं यस यस करते रहो। सही है, जो भी कुछ आता है इंटरफेस आप यस ही करते रहो और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ये आपका लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बार फिर से लॉगिन करना है फेसबुक से। सही है, तो ये कुछ देर तक लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आपका ये लोडिंग होना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। सही है, ये देखो हो गया बंद, और जैसे ये बंद होता है आपने एक बार फिर से फेसबुक पर भी टच मार देना है। जैसे ही आप फेसबुक पर टच मारोगे एक बार, तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो देखो मैं मारता हूँ टच फेसबुक पर, ये देख सकते हो मैंने आपके सामने जैसे ही टच मारा फेसबुक पर एक बार फिर से, वैसे ही ये स्टार्ट हो गया गेम। और स्टार्ट होने के बाद ये पूछ रहा है कि आप 18 साल के हो, अगर हो तो यस और नहीं हो तो नो। यार जहाँ तक मुझे पता है सभी बंदे यस करके ही रखेंगे उसको, क्योंकि यार कौन चाहेगा कि भाई नो करके रिस्क ले लें। सही है, तो यस कर देना। उसके बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपका जो भी पिछला अकाउंट है वो सारा का सारा इसमें लॉगिन हो जाएगा। आपके स्किन्स वगैरह, कपड़े, ये देख सकते हो कपड़े, हेलमेट वगैरह की स्किन, ये मैंने गेम खेला नहीं है, ये मेरे पिछले ग्लोबल आईडी का अकाउंट है। सही है, खैर खेलता तो मैं, ये देखो ऑटोमेटिक 4 RP हो गई, क्यों, क्योंकि मैंने उसमें ज़्यादा खेला नहीं था गेम, लेकिन उसमें इतना खेल दिया था कि हमने 4-5 RP कर ली थी। उसके बाद बंद कर दिया था क्योंकि पता था बैटल ग्राउंड ऑफ इंडिया आ रहा है, तो भाई तभी से बंद कर दिया, नहीं तो यार खेलते रहते हम। सही है, और आगे देखो यार सारे के सारे आपको कपड़े इतने खुल गए अपने आप ही, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो गया, इसमें ग्लोबल से हटके इसमें आ गया। तो बस यही है, और यार आप लोग देख ही रहे हो हेलमेट की स्किन और टोपी वगैरह, चश्मे वगैरह सारा कुछ है मेरा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये देख सकते हो ये मैंने जो भी मिशन करके कंप्लीट करके ये अर्न करा था, तो यार वो सारा का सारा है मेरे में, और कुछ भी चेंजेस नहीं है यार, सेम आपको ग्लोबल जैसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। प्लेयर देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर। ओ ये लो यार कितना बढ़िया चीज़ मिल गया, बहुत ही अच्छे यार बैटल ग्राउंड।
तो यार इन्होंने पहले ही वह हमको टोपी दे दी। तो यार अब चलो चलते हैं इनके मैप के ऊपर। तो यार कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। इरेंगल, लिविक, मीरामार, सनहॉक, सारा का सारा सेम मैप है। ऊपर देख सकते हो मैंने एक डाउनलोड भी किया है मैप, थीम है इरेंगल का, सही है। तो कुछ नहीं चेंजेस है यार, सारा कुछ सेम है। TDM भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा यार, कोई भी चेंजेस नहीं मेरे को दिखा अभी तक इस गेम में। और एक ही चेंजेस है यार, इफेक्ट वगैरह इन्होंने अपनी तरफ से एडवांस डाल दिए होंगे, ठीक है। आप खेलोगे तब उसको पता चलेगा, क्योंकि मैंने इसका एक ही गेम खेला है इरेंगल का। तो बस वही मैं आपको दिखाऊंगा क्या कौन सा खेला है। ये देख रहे हो मैं काराकिन मैप भी डाउनलोड कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगा यार कोई भी इसमें ज़्यादा चेंजेस किए हैं पबजी ग्लोबल वर्जन ने। और एक ही चेंजेस मैंने इसमें सिक्योरिटी का, सही है। तो बस वही सिक्योरिटी इसमें मैन था, और कुछ नहीं है, और बाकी का सिमिलर है ग्लोबल जैसे। तो खेल के देखना आप कैसा क्या गेम लगता है, मेरे को ज़रूर बताना। बाकी का आपको मैं इसका थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखा देता हूँ। तो यार हमने गेम स्टार्ट कर दिया है और 26 सेकंड के बाद गेम स्टार्ट हुआ है। तो हाँ मैचिंग दिक्कत आ रहा है, किसी किसी में तो मैचिंग ही नहीं हो रहा है, फाइनली मेरे में हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके में एक एक दो दो मिनट हो जा रहे हैं बट पूरा मैचिंग ही नहीं हो रहा है। तो ये भी भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। This is a simulation game set in a virtual gym. Take frequent breaks and play responsibly. तो यार हमारे पल्ले ना पड़ा, क्या क्या बोल दिया इन्होंने। तो टेंशन नहीं है यार, अपने को गेम खेलने से मतलब है। और ये यार देखो नया इफेक्ट है, जैसे ही आप ये देखो मेरे को मार के चला गया। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि हरे हरे कलर के पत्ते निकल रहे हैं। पहले यार डैमेज करने पर लाल कलर निकलता था, लेकिन अब जो है वो पत्ते निकलते हैं। तो बस यही एक नया चेंजेस है, आगे देखेंगे क्या यार नया और चेंजेस है। तो यार फाइनली हम उतर जाते हैं स्कूल की साइड में, और स्कूल के साइड में भाई बहुत ही ज़्यादा लौंडे उतरे पड़े हैं। तो यार सबकी एक एक करके क्लास लेंगे, उससे पहले हम सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, क्योंकि यार पीछे से डंडा पेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। अश्लील मत होना यार, मतलब मैं और कुछ भी बता रहा हूँ, मतलब जब कोई बंदा गलत काम कर रहा होता है ना, पीछे से पुलिस आके पकड़ के ले जाती है, तो बस वही रोल अपना है। तो फाइनली हमको एक गन मिल गया है, और भाई सही बताऊँ तो इस गेम में इतना तगड़ा स्मूथनेस है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप खुद एक बार ट्राई करना तो आपको 110% पता चल जाएगा कि क्या यार सॉलिड चीज़ इसमें ऐड की हुई है। अब पता नहीं मेरे मोबाइल का ज़्यादा तगड़ा स्पेसिफिकेशन है इसलिए ऐसा चल रहा है, या फिर कुछ और ही बात है पबजी वालों का। तो यार पहले देखो मैं एक बॉट मारता हूँ, और बॉट मारने के बाद क्या होता है ये देखो। देखा यार कलर कैसे निकला, कलर नहीं निकला यार, फाइनली इन्होंने एक पत्तियाँ निकाल दी बहुत सारी सी। तो भाई ऐसे ही बॉट को समाधि दे दी, श्रद्धांजलि दे दी। तो यार पर्सनली मैं बताऊँ यार, पत्तियों वाला इफेक्ट मेरे को यार बड़ा सही लगा। आपको यार पता नहीं कैसा लगा होगा यार, कमेंट करके ज़रूर बताना, सही है। तो आगे देखते हैं, लौंडों को ढूंढते हैं। तो यार देख सकते हो आगे एक बंदा भागते हुए जा रहा है, लेकिन हमने भाई थोड़ा लेट यूज़ ही चलाया, क्योंकि यार हमारी स्पीड ही स्लो है इतनी, तो ऐसे ही चलते हम। तो देखते हैं यार क्या उखाड़ पाएंगे, इस बंदे को फेल पाएंगे भी नहीं। तो यार हम काफ़ी देर तक रुक लिए, और अपनी बैटरी भी 5% कर दिए। तो यार इतना देर खड़ा होना हमसे नहीं होता, तो हम एक डिसीजन लेते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो देखो यार क्या होता है भाई, रियली में वो हमारी पत्तियाँ उड़ा देता है, और दुख के मारे भाई हम शर्म से झुक जाते हैं। और इधर देखो यार गाड़ी मजाक बना के चली जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और ज़रूर बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए